हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केलकर है। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोह तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा पुणे में भी हॉस्पिटल है और वहाँ मैं अक्सर विजिट करने जाता हूँ। ये महीने में 27 अप्रैल सुबह 10 से 12 वहाँ एक कैंप का हमने आयोजन किया हुआ है, जिसमें मैं खुद हाजिर रहने वाला हूँ। क्योंकि हमारे सारे काफ़ी सारे पेशेंट्स जो है वो बोलते रहते कि आप बॉम्बे नहीं आते, क्या पुणे नहीं आते, क्या मैं आते रहता हूँ मगर उनको पता लगता नहीं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और जिनको भी प्रॉब्लम होंगे तो वो लोग वहाँ मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ कोई पागल हो गया तो ही डॉक्टर केलकर के पास में जाना, या उन्माद हो गया तो ही डॉक्टर के पास में जाना। अभी ऐसा हो गया कि लोगों को निराशा आती है, बहुत दुख होता है, रोना आता है बार बार, चिंता होती है, उदासीनता है और कुछ काम में मन नहीं लगता, या खुदकुशी के विचार आते हैं, या फिर सरदर्द है, माइग्रेन है, फिर बार बार वही विचार आना, बार बार एखादा चित्र सामने आना, या बार बार हाथ धोना, पैर धोना, स्नान करना, कपड़े धोना, ये बार बार करना, बार बार के सेक्स के बारे में बार बार के गंदे ख्याल आना, या भगवान के बारे में गंदे ख्याल आना, या फिर बार बार कोई चेक करना, ऐसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के काफ़ी लोग आते रहते हैं। वैसे ही फोबिया के लोग आते रहते हैं। फोबिया मतलब बहुत डर लगता है लोगों को, बहुत ज़्यादा डर। उनको ऐसा लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊँगा, फिर मुझे कोई बचाएगा नहीं, मतलब हॉस्पिटल जाने तक मैं मर जाऊँगा, इसलिए वो मतलब कहीं बाहर जाते नहीं। किसको मतलब ऐसा कहीं बाहर घूमने का डर लगता है, मार्केट में जाने का या मॉल में जाने का डर लगता है, या फिर ओपन स्पेस में जाने का डर लगता है, खुली जगह पे या बंद जगह पे अकेला रहने का डर लगता है, मतलब वो बंद कार में नहीं जा सकते ऐसे। कहीं किसको मतलब ऊंचाई का डर लगता है, कोई अंधेरे का डर लगता है। ज़्यादातर लोगों को जो डर लगता है वो डर लगता है कि मैं मर जाऊँगा, अटैक आएगा, या फिर एड्स हो जाएगा, या फिर कैंसर हो जाएगा, या टीबी हो जाएगा, ऐसा बहुत लोगों को डर लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा अति भय। और कुछ लोगों को ऐसी चिंता होती है कि कुछ तो भी गड़बड़ हो जाएगी, कुछ तो भी खराबा हो जाएगा मेरे ऊपर, कुछ तो भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कुछ तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, तो मैं फिर कैसा करूँगा। उनको छोटी छोटी बातों में डर लगता है कि बच्चे एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं होंगे, मुझे टिकट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगा, मैं सफ़र अच्छा कर सकूँगा नहीं सकूँगा, बहुत ज़्यादा है तो गर्मी में मेरे को धूप लग जाएंगी क्या, ठंडी में ठंड लग जाएंगी क्या, चिंता लगी रहती है छोटे छोटे बात के ऊपर। पति पत्नी बाहर गए तो वो बाहर से बराबर आएंगा कि नहीं आएंगे, ऐसी चिंता है। कि कोई लोगों को फिट्स आते रहते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जिनको ऐसा बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि भाई बिस्तर गीला करना, नॉक्चर्नल एनुरेसिस, या फिर सेक्स के प्रॉब्लम रहते हैं, नपुंसकत्व है, शिश्न में ताठरता कठोरता नहीं आना और इसलिए फिर सेक्स नहीं कर सकना, या फिर जल्दी गिर जाना, शीघ्र पतन होना, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, या लैंगिक भावना कम हो जाना, ऐसे सेक्स के प्रॉब्लम है, या फिर दारू के प्रॉब्लम है, या कोई दवा का एडिक्शन हो जाता है, या दारू का है कि भाई वो बहुत ज़्यादा शराब लेता है और शराब का नशा करता है, तो उसके लिए भी हमारे पास में दवाई है। तो हमारा जो हॉस्पिटल पुणे में, वहाँ मैं विजिट करता हूँ, ये 27 तारीख को सुबह 10 से 12 वहाँ मौजूद रहूँगा, लोगों को तपासूँगा। उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप हमारा नंबर ले सकते हैं 9822871455। 98 फिर से एक बार बोलता हूँ 9822871455। तो ये नंबर पे आप नोंदनी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा वहाँ जो हॉस्पिटल है पुणे का, वो है गली नंबर 4 करवे नगर कोथरूड पुणे। यहाँ पे वहाँ हम रिश्तेदारों के साथ में मनोरोगों को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं, ज़्यादातर लोग रिश्तेदारों के अलावा वहाँ भर्ती है, कि जिनको घर में रखना मुश्किल है, घर में उनकी केयर ले सकते नहीं है, या घर में बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, या शराब घर में छुट्टी नहीं, इसलिए हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है, जैसे वहाँ काफ़ी सारे लोग पेशेंट लोग भर्ती भी रहते हैं, तो ज़रूर आ जाएगा। जिनको थाना पास में पड़ता है तो थाना में भी हमारा हॉस्पिटल है, जहाँ हम घोड़बंदर रोड पे, जहाँ हम बिना रिश्तेदारों को पेशेंट को भर्ती करते हैं, और थाना में हमारी विजिट रहती है, तो ज़रूर आएगा और वहाँ मिलते हैं। हमारा काउंसिलिंग भी होता है, ऑनलाइन काउंसिलिंग होता है, और जिसको जल्दी है या जिसकी तारीख चूक जाएंगी पुणे की, 27 तारीख को नहीं आ सकता है, वो अकोला में आ सकता है। अकोला में रेलवे स्टेशन के पास में हमारा हॉस्पिटल है, या फिर थाना में जा सकता है। तो अकोला में, बाकी तो दिन मैं अकोला में रहता हूँ। मेरी विजिट वैसे नागपुर में भी है,
नागपुर में 22 अप्रैल को सुबह 10 से 12 इतवार के दिन मैं रहने वाला हूँ वहाँ 10 से 12। हमारा वहाँ जो हॉस्पिटल है वो है मंगलमूर्ति चौक, जयता रोड, सुभाष नगर रोड, वहाँ हमारा हॉस्पिटल है। वहाँ भी हम बिना रिश्तेदार मानसिक रुग्ण तथा व्यसनी लोगों को हम भर्ती करते हैं। वहाँ भी रोज कि मतलब पेशेंट का चेकअप होता है, वहाँ मैं हरदम जाते रहता हूँ। तो ये जो बीमारी अभी तक मैंने बताई हुई है, ये बीमारियों का इलाज वहाँ कर सकते हैं। आप हमको काउंसलिंग के लिए फ़ोन कर सकते हैं। जिनका नागपुर में 22 में आना नहीं होगा वो अकोला में आ सकते हैं। अकोला में भी जो हॉस्पिटल है वहाँ भी हम बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करते रहते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आ जाएगा, फैमिली काउंसलिंग है, व्यसन मुक्ति है, फिर किसको सम्मोहन के बारे में जानकारी करना है, सेल्फ हिप्नोसिस है, तो और सेल्फ हिप्नोसिस करके कोई प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व करना है, हल करना है, तो वो भी हम करेंगे। और सेक्स के प्रॉब्लम जो होंगे उनको डॉपलर के साथ में तपास नहीं, मतलब डॉपलर से तपास उसका किया जाएगा, चेकिंग किया जाएगा और उसके लिए काउंसलिंग भी किया जाएगा। ये वीडियो आपके परिचित पुणे के होंगे, नागपुर के होंगे, उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर करो, ताकि वो एरिया के लोग मेरे आने का फ़ायदा उठा सकेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और अपना जीवन अच्छा कर लेंगे। हमारा जो है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच।